प्रधानमंत्री आवास योजना हर किसी का सपना होता है, 2,67,000 की सब्सिडी पाना। और आज इस वीडियो में प्रधानमंत्री आवास योजना की लेटेस्ट खबर लेकर के आया हूं। उसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। अगर आप अपना नया घर लेने का सोच रहे हैं, लोन लेने का सोच रहे हैं, तो होम लोन के ऊपर आप PMAY को फिर से अप्लाई कर सकते हैं और इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं 2,67,000 की, जिससे आपकी जो EMI है वो भी कम हो जाने वाली है, आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, साथ में 100% आप लोन लेने जब जाएंगे, प्रधानमंत्री आवास में अप्लाई करेंगे तो 100% आपको सब्सिडी मिल जाए, उसके आपको 10 नियम बताऊंगा, तो वो भी जरूर सुनना, ताकि आप जब अप्लाई करें तो आपको निराशा का सामना ना करना पड़े और आपकी एप्लीकेशन यहां पे अप्रूव हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसके जरिए अगर आपकी इनकम कम है और आप ग्रामीण क्षेत्र से या अर्बन क्षेत्र से बिलीव करते हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं और इसमें आप जो इंटरेस्ट है होम लोन का उसको 6% तक कम कर सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है और लोग यहां पे बहुत अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो लास्ट डेट थी वो 2022 के अंदर मार्च महीने के अंदर खत्म हो गई थी। उसके बाद में कोई समाचार नहीं आ रहा था कि ये कब तक बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और उसी के कारण बहुत लोगों ने होम लोन तो लिया लेकिन इसको अप्लाई नहीं कर सके। तो यहां पर मेरी स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं जो अभी की लेटेस्ट डेट आ रही है वो 31 दिसंबर 2024 आ रही है। आप अगर होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसकी इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। 31 दिसंबर 2024 तक ये एक्सटेंड हो चुकी है। इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि आपकी जो होम लोन है उसका टेन्योर 20 साल तक होना चाहिए। इसमें चार कैटेगरी बनाई गई है जिसके अंदर में मिडिल इनकम ग्रुप यानी जिसको बोलते हैं MIG 1, उसमें आप 6 लाख से 12 लाख की एनुअल इनकम अगर आपकी होगी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप है मिडिल इनकम ग्रुप MIG 2, जिसमें आपकी इनकम 12 लाख से 18 लाख होगी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ग्रुप है लोअर इनकम ग्रुप LIG, जिसके अंदर 3 से 6 लाख की अगर आपकी इनकम है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और चौथा ग्रुप है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको बोलते हैं EWS, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपकी इनकम 3 लाख से नीचे है तो आप इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं की हाइलाइट्स, जिसमें EWS जिसकी इनकम अप टू 3 लाख है और LIG जिसकी इनकम 3 लाख से 6 लाख है, उसके लिए क्या बेनिफिट है। तो उसमें आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आपकी एलिजिबल हाउसिंग लोन अमाउंट फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी अप टू 6 लाख रुपीस है। 6 लाख तक की लोन आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल का मिनिमम टेन्योर होना चाहिए। इसके साथ अगर आप ड्वेलिंग यूनिट कार्पेट एरिया देखेंगे, स्क्वायर मीटर 30 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए EWS के लिए, और LIG के लिए 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ में अगर आप देखेंगे इसकी जो डेट है वो 2024 तक एक्सटेंड हो चुकी है। इसके अंदर में और एक चीज है कि आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी। आप देखिए हमें मैक्सिमम 2,67,280 रुपए की सब्सिडी आपको यहां पे मिल सकती है। आपको यहां पे बहुत डिटेल में और भी चीजें, काफी सारी चीजें बताने वाला हूं कि ये सब्सिडी पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर छोटी सी मिस्टेक हो गई तो आपकी सब्सिडी यहां पे पास नहीं होगी। तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखना, और वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियोस मैं बनाता रहता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। इसके साथ देखेंगे MIG ग्रुप और MIG 1 ग्रुप, जिसके अंदर में आपकी इनकम 6 लाख से 12 लाख है और 12 लाख से 18 लाख है, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका जो लोन है वो 9 लाख तक और 12 लाख तक होना चाहिए। इसमें आपको कार्पेट एरिया MIG 1 ग्रुप में 160 स्क्वायर मीटर और MIG 2 में 200 स्क्वायर मीटर तक आप ले सकते हैं। इसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट सब्सिडी MIG 1 के लिए 2,35,000 है और MIG 2 के लिए 2,30,000 रुपए है। इसके साथ आप देखेंगे 2024 तक ये भी एक्सटेंड हो चुका है, जिसके अंदर आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। यहां पर हर चीज आधार के साथ अब लिंक होने लगी है, तो यहां पर जैसे ही आधार नंबर डाला जाता है, एक तो आपकी नेशनलिटी प्रूफ होती है और दूसरी चीज प्रूफ होती है कि आपकी आधार पे कितनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। PMAY स्कीम दो प्रकार की स्पेसिफिक होती है, ग्रामीण सेक्शन और यहां पे है अर्बन सेक्शन। तो आप अगर इंटरेस्ट की सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप अर्बन सेक्शन के अंदर बिली होने चाहिए। अर्बन या सिटीज के अंदर में आपका लोन या आपका प्रॉपर्टी होना चाहिए जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट सब्सिडी को अप्लाई कर रहे हैं। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से और आप वहां पे होम लोन ले रहे हैं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते अर्बन और सिटी के अंदर में। और यहां पे आप देखेंगे कि PMAY सब्सिडी का जो इंटरेस्ट है उसमें आप मैक्सिमम लोन, मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना
कितना ले सकते हैं, EWS के अंदर जो आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट होगा आफ्टर सब्सिडी 6.5% हो जाएगा, LIG के अंदर 6.5%, MIG1 के अंदर 4% हो जाएगा और MIG2 के अंदर 3% इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर आप MIG2 एंड 1 के अंदर है तो आपको इफेक्टिवली 3-4% होम लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बाकी का जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट पे करेगी। कितना पे करेगी वो भी आपको दिखा दिया, 2,67,000 रुपए। इसके अंदर लोन की सब कितनी मैक्सिमम लोन ले सकते हैं वो भी मैंने आपको अर्लियर वीडियो के अंदर बता दिया। अब यहां पे देखिए कि आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। देख लीजिए, आपको जब इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसके लिए जो भी लैंडिंग अथॉरिटी है यानी कि बैंक है जिससे आपको लोन लेना है या हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसके पास जाना है और उसको बोलना है कि भैया मुझे इस प्रॉपर्टी की लोन लेनी है और इस प्रॉपर्टी के साथ में मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर एप्लीकेशन भी देनी है। तो यही बैंक जो है वो आपकी एप्लीकेशन को भेजेगा, किसको भेजेगा, सेंट्रल नोडल एजेंसी को, यानी कि जो भी सेंट्रल नोडल एजेंसी है उसको आपकी एप्लीकेशन, आपकी जो प्रधानमंत्री आवास योजना की इंटरेस्ट सब्सिडी की एप्लीकेशन है वो भी साथ साथ में आपकी होम लोन के साथ में वो भेज देगा। और जैसे ही वो एक्सेप्ट हो जाती है, वो एक्सेप्ट होने के बाद में जो भी अमाउंट आपका सेंक्शन होता है फ्रॉम नोडल एजेंसी, 2,67,000 है या 2,30,000 है, जो भी आपकी कैटेगरी है, वो आपके जो होम लोन का अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर दिया जाता है। और ये जैसे ही क्रेडिट होता है आपको एक नोटिफिकेशन भी आता है और आपका जो ओवरऑल टेन्योर है वो कम हो जाता है। देखिए, ध्यान रखिए, आपका जो ईएमआई है वो कम नहीं होता है, आपका ओवरऑल टेन्योर, जितना साल आपको भरना है लोन, वो कम हो जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग होंगे बोलेंगे यार मेरा तो सब्सिडी जो है आ गया है लेकिन मेरा ईएमआई कम नहीं हुआ। ईएमआई कम नहीं होता है, आपका मान लीजिए पहले 20 साल को लोन भरना था तो 2,67,000 आने के बाद यानी क्रेडिट होने के बाद वो 17 साल हो जाएगा या 16 साल हो जाएगा। अब दूसरा एक सवाल आता है कि ट्रांसफर कैसे होता है पीएम सब्सिडी बोरोवर बैंक के अंदर में। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मैं जैसे आपको बताया कि आप जब भी अप्लाई करते हैं ना, वहां से जैसे ही एप्लीकेशन अप्रूव होता है आपका जो सब्सिडी है ऑटोमेटिक आपके होम लोन के अकाउंट में जमा हो जाता है। अब यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 क्राइटेरिया जो आपको बताऊंगा कि आपकी जो इंटरेस्ट सब्सिडी है ना 100% पास हो जाएगी। तो इसके लिए आपको ये 10 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान से सुननी है, स्किप मत करना एक भी चीज। पहली चीज, अगर आप अपनी सब्सिडी को पास करवाना चाहते हैं, आपके मकान की एप्लीकेशन में कोई भी एक वुमन ऑनरशिप होना जरूरी है, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी मदर हो, किसी को, कोई भी एक वुमन को आपको पार्टनरशिप में लेना है, जॉइंटली आपको अप्लाई करना है। दूसरी चीज, सिटी अर्बन एरिया में अगर आप है और आप अप्लाई कर रहे हैं तभी आपकी सब्सिडी जो है इंटरेस्ट सब्सिडी वो पास होगी। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में कोई घर बना रहे हैं या घर ले रहे हैं, इसके होम लोन ले रहे हैं और इसमें आप पीएम सब्सिडी को अप्लाई कर रहे हैं इंटरेस्ट सब्सिडी को, तो आपका पास नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी प्रॉपर्टी सिटी और अर्बन एरिया के अंदर होनी चाहिए। लोन का मिनिमम टेन्योर 20 साल होना चाहिए, 20 साल से कम वाले होम लोन या ऊपर वाले होम लोन पास नहीं होगी इंटरेस्ट सब्सिडी में। फर्स्ट ओनर जो होना चाहिए, जो भी अप्लाई कर रहा है फर्स्ट ओनर होना चाहिए, उसने पहले कभी होम लोन लिया होना नहीं चाहिए, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी पहले पूरे भारत के अंदर होनी नहीं चाहिए। आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आधार कार्ड वैलिड होना चाहिए, नेशनलिटी वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आधार कार्ड इसमें फेल हो जाते हैं, होते हैं ना बहुत लोग जो फेक आधार कार्ड बनवाते हैं। मिनिमम लोन का अमाउंट आपका होना चाहिए एज पर द लॉ, जो मैंने आपको अभी पहले बताया था कितना होम लोन आप ले सकते हैं, 6 लाख और 12 लाख तक जो आपको मैंने बताया था उसके हिसाब से होना चाहिए। कारपेट एरिया मिनिमम कितना होना चाहिए वो भी मैंने आपको अभी बताया था, अगर आपको फिर से जानना है तो वीडियो को थोड़ा आगे ले जाइए, मैं अगर फिर से बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कारपेट एरिया और मिनिमम लोन अमाउंट जो क्राइटेरिया है उसी के अंदर होना चाहिए। प्रोसेस्ड बैंक, तो ये जो सब्सिडी है ये बैंक के द्वारा प्रोसेस होती है, आपको खुद से नहीं करनी है, आपको बैंक को बोलना है कि भैया जब भी आप एप्लीकेशन दे रहे हैं उस टाइम पे बोलना है कि मुझे इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए, प्रधानमंत्री आवास की इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए मुझे अप्लाई करना है, वो बैंक ही नोडल ऑफिसर को भेजेंगे और वहां से वो पास होगी, आपको इंडिविजुअली नहीं करना है। और जो लास्ट है, बैंक एट HFC, आपकी होम लोन कोई ऐसी बैंक से होनी चाहिए जो अप्रूव्ड है या कोई हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के थ्रू ही होनी चाहिए। आप कोई ऐसी थर्ड पार्टी से लोन ले रहे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको इसके अंदर लाभ नहीं मिलने वाला है, वो ध्यान रखिए। और लास्ट डेट का पता होना चाहिए भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी की लास्ट डेट है जो 31 दिसंबर 2024 तक एक्सटेंड हो चुकी है, अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो जरूर से अप्लाई करिए, लाभ लीजिए, 2,67,000 का आपको यहां पे फायदा मिलेगा। आपको और भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलता हूं और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।